दिल्ली की कर लेते हैं, जहां एक ओर लॉकडाउन में ढील दी गई तो वहीं दूसरी ओर कोरोना ने रफ्तार यहां की बढ़ा दी है। देश की राजधानी में लगातार दूसरे दिन 500 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं, जिसने दिल्ली वालों की टेंशन बढ़ाने का काम किया है। दिल्ली में रियायत के साथ ही सड़कों पर लोगों का सैलाब उमड़ चुका है। दुकानें खुलने लगी हैं, बाजार सजने लगे हैं, दफ्तर और फैक्ट्री जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। लेकिन आर्थिक ट्रैक पर लाने की उन कोशिशों के बीच राजधानी में कोरोना अपनी रफ्तार का गियर भी बढ़ा रहा है। लॉकडाउन के चौथे चरण में रियायत के पहले दिन जहां राजधानी में पहली बार 500 से ज्यादा नए संक्रमित सामने आए थे, वहीं आज दूसरे दिन पिछले सारे रिकॉर्ड टूट गए। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 534 नए मामले सामने आए हैं। ये 24 घंटे में राजधानी में अब तक का सबसे बड़ा उछाल है। लगातार दूसरे दिन राजधानी में 500 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। वहीं कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या अब 11,088 हो चुकी है, जबकि कोरोना ने 176 लोगों की जान ली है। ऐसे में लॉकडाउन में ढील राजधानी के लिए खतरे की घंटी जैसा है। दिल्ली की सड़कों पर आज दूसरे दिन भी भारी जाम देखने को मिला। कई जगहों पर दिन भर लोग जाम में फंसे नजर आए। घरों से 55 दिन बाद आजाद हुए लोग अब सड़कों पर कैद नजर आ रहे हैं। बॉर्डर DND पे मौजूद है, आप देख सकते हैं सुबह का वक्त है और यहाँ पर लंबा जाम लगा हुआ है। दूर तक आपको गाड़ियां ही गाड़ियां नजर आएंगी। दरअसल यूपी में एंट्री अगर आपको चाहिए तो, और खासतौर से नोएडा में, तो आपके पास पास होना जरूरी है। एसेंशियल सर्विसेज में अगर आप उससे जुड़े हुए हैं, उसके बाद आपके पास पास है, नोएडा DM के द्वारा जारी किया गया पास है, तभी आप यहां पर एंट्री कर सकते हैं। आप कोरोना से जंग लड़ रही दिल्ली की सड़कों पर कानून की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। न सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल है, न ही कानून और कोरोना का खौफ। जिस ई रिक्शा में सिर्फ एक सवारी ले जाने का नियम बनाया गया है, वो सवारियों से भरा नजर आ रहा है। और जो किराए की जो चलाते हैं, वो कहाँ से निकालेंगे? कुछ किराए वाले भी हैं, उन्होंने जो जिसकी गाड़ी है उसको किराया भी देना है और अपना भी निकालना है, तो वो खर्चा कहाँ से निकालेंगे किराए वाले? दिल्ली में बाजार खुलने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। ग्राहक नदारद हैं, वहीं दुकानों के ऑड इवन में खुलने के नियम ने नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है। कई बाजारों में एक नंबर की 3 से 4 दुकानें हैं। दिल्ली के सबसे पॉश खान मार्केट में आज इवन दुकानें खुलने का दिन है। आप देख सकते हैं और दुकानें बंद हैं। आलम यह है कि जब इवन डे में शॉप्स खुल रही हैं तो भी ग्राहक कम आ रहे हैं, ऑड डे में खुल रही हैं तो भी ग्राहक कम आ रहे हैं। जो दुकानों के नंबर हैं वो भी, एक दुकान का नंबर अगर 10 है तो उसमें 2 दुकानें हैं, 3 दुकानें, बहुत तरह की कंफ्यूजन है। इसके साथ ही बिजनेस एज यूजुअल नहीं है, जिसका सबसे बड़ा खामियाजा दुकानदारों को उठाना पड़ रहा है। बहरहाल राजधानी में जिंदगी ट्रैक पर लाने की कोशिश की जा रही है। आर्थिक संकट से उबरने की कोशिश में लगी दिल्ली में कोरोना की रफ्तार ने टेंशन बढ़ा दी है। आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।